आज कुछ चटपटा सा टेस्टी सा खाने का मन कर रहा है। शाम के इवनिंग स्नैक्स में हम बनाते हैं कुछ अच्छा सा, तो यहाँ पे काठियावाड़ी स्टाइल में लसन या बटेका यानी गार्लिक पोटैटो एंड ये है प्राइम्स यानी कि भूंगड़ा बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। तो चलिए बनाते हैं इसकी रेसिपी, देखिए बहुत ही अमेजिंग चटपटा टेस्टी बनता है। पोटैटो बॉईल करके रखे हैं 5-6 पोटैटो को, तो आप अगर छोटे पोटैटो है तो उसको ऐसे ही आप बना सकते हो साबुत, अगर बड़े हैं तो 2 या 4 पीसेस में कट भी कर सकते हो। यहाँ पे मसाला बनाने के लिए 3 लाल मिर्च को, मैंने सूखी लाल मिर्च होती है ना वो, और 5-6 लहसुन की कलियाँ को गर्म पानी में 1 उबाल आने तक डाल दिया है ताकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और उसकी चटनी बनाएंगे। यहाँ पे पोटैटो को हम कट करके मैरिनेट करेंगे, तो थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से कोट करके साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे पोटैटो हो रहे हैं जब तक मैरिनेट, तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो देखिए ये जो हमने पोटैटो को यहाँ पे मैरिनेट किया है ना, उससे उसका एकदम टेस्ट अलग ही हो जाता है। आप वैसे भी बना सकते हो बिना मैरिनेट किए भी, पर एक बार इस तरह से भी ट्राई करना, मसाला अच्छे से कोट हो जाएगा और उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जब तक बटेक पोटैटो हो रहे हैं तब तक यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, करीबन 1 बड़ी चम्मच जितना, और इसी पोटैटो को जो मैरिनेट किया है उसको हल्का सा सौते कर लेंगे एकदम लो फ्लेम पर, उसको थोड़ा सा बस फ्राई करना है, ज़्यादा कुछ कलर चेंज नहीं करना है, पकाना नहीं है, बस जो मसाले चढ़ाए हैं ना वो अंदर तक चले जाएंगे और ऊपर एक अच्छी सी लेयर बन जाएगी टेस्टी सी, उतना ही उसको फ्राई करना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस मेथड से। वैसे आप डायरेक्ट बॉयल पोटैटो को भी तड़का लगा सकते हो, बट ये स्टेप करने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए पोटैटो का थोड़ा सा ब्राउन कलर जैसा हो जाएगा, मसाले अच्छे से भून जाएंगे ऊपर से, तब तक उसको धीमी आंच पर सौते करेंगे। तो यहाँ पे लहसुन और मिर्ची को निकाल लिया है पानी से, उसको मिक्सी में डाल के उसके अंदर ही सारे मसाले हम प्रिपेयर करेंगे। ये पोटैटो हो चुके, इसके अंदर मैंने जीरा डाला है 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डाला है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच, और आगे डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, पहले भी हम पोटैटो में सारे मसाले डाल चुके हैं तो थोड़ा ही डालना है, और 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा पानी डालकर सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, और इसी मसाले से हम तड़का लगाएंगे, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें प्याज का भी इस्तेमाल नहीं है, बस ये चटनी ही मेन है, इससे ही टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है, बहुत ही अच्छा आता है। अब और 1 चम्मच तेल लेंगे हम, बड़ा चम्मच, और उसमें डालेंगे सिर्फ हींग। यहाँ पे आप और कोई चीज़ नहीं डालेंगे क्योंकि सारी चीज़ मसालों में आ गई है, तो हींग डालेंगे। जैसे ही हींग अच्छे से फ्राई होती है ये चटनी जो बना के रखी है ना वो ही डाल देंगे बस, और उसको अच्छे से भुनना ज़रूरी है क्योंकि ये कच्ची चीज़ें हैं, अंदर जो भी लाल मिर्च पाउडर, धनिया, हल्दी, सारी कच्ची चीज़ें हैं, तो अच्छे से मसालों को भुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो धीमी आंच पर भुनते जाएंगे, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाल दिए, उसको भी साथ में भून लेंगे। ऑयल बिल्कुल सरफेस पर आ जाए तब तक अच्छे से भुनना है, एक अच्छी सी स्मेल आ जाएगी, और फिर हम उसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। देखिए मसाले हमारे भून रहे हैं, तो ये पोटैटो डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी शाम का या सुबह का, आपको जब भी बच्चों को कुछ टिफ़िन में देना है, चटपटा सा कभी खाने का मन करता है, तो ये चीज़ बना के देखिए आप। अब यहाँ पे जो फ्रेम्स है ना कलरफुल लिए है मैंने, वैसे एक सिंगल कलर के भी आते हैं, इस तरह से कलरफुल आते हैं, शेप भी अलग अलग आते हैं, आप कोई भी ले सकते हो। इसके लिए तेल को अच्छा खासा गर्म करना है, और फिर भले ही आप थोड़ा स्लो कर दो, पहले खूब गर्म करना है तेल को, तब भी ये पूरी तरह से फ्राई हो पाते हैं। तो इस तरह से सिंपल वैसे उसको फ्राई करके निकाल लेंगे,
ये सौराष्ट्र काठियावाड़ की तो फेमस डिश है भूंगड़ा बटेका के नाम से। ये वहाँ पे बहुत खाया जाता है, बच्चा बच्चा जानता होता है। भावनगर साइड भी लसणिया बटेका का बहुत ही चलन है। काठियावाड़ पूरे मतलब ये सब चीज़ों से फेमस है। वहाँ पे ज़्यादातर पोटैटो का रेसिपीज ज़्यादा बनती होती है, वहाँ के लोग के बहुत ही फेवरेट होते हैं पोटैटो। तो देखिए बातों बातों में यहाँ पे फ्राइम्स भी रेडी हो गए कलरफुल, कितना अच्छा लग रहा है कलर इसका, मल्टी कलर। तो फ्राइम्स भी रेडी है और वहाँ पे हमारे पोटैटो भी रेडी है। देख लीजिए ऊपर धनिया डाल दिया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी ये रेसिपी मेरी मेथड से बना के ज़रूर देखिए। आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताना। मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करना ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइमली। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।